रावत सर्कस में से गुजरने वाली मेगा हाईवे सड़क के रखरखाव में बरती जा रही लापरवाही अब स्थानीय दुकानदारों और बासिंदों के जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। इस मेगा हाईवे सड़क की साफ सफाई नहीं होने के कारण सड़क पर लगे मिट्टी के ढेर यहां से गुजरने वाले वाहनों के साथ उड़ते धूल के गुबार के रूप में सड़क के आसपास दुकानदारों और स्थानीय लोगों के लिए धूल मिट्टी से होने वाली एलर्जी अस्थमेटिक रोगियों के लिए खतरनाक साबित हो रही है। वहीं दुकानदारों ने बताया कि दिन का अधिकांश समय तो धूल मिट्टी झाड़ने में ही चला जाता है। बुरो हालात है, तो घर तो उठन लग रहे हैं, सुबह ले शाम तक डस्टर मार मार के दाब दिया, इतनी रेत उठ है, सांस की तकलीफ हो है, इतनी एलर्जी होने लग रही है, रेणो दुर्बल हो रही है, 7:30 की दुकान मंगल करके घरे जाना पड़े, वो हालत है शाम ले तो इतना बुरो हाल है। बात बनी दुकान में तो जिया भी है, मैं डस्टर मार के कर लिया और कर लिया सफाई कर लिया, लेकिन आने वाला है जो भी कस्टमर है और है वो अस्थमेटिक पेशेंट दिनों दिन ज्यादा हो रहे हैं धूल के कारण। सिर्फ वहाँ की रोड की देखो हालत क्या हो रखी है। कल विधायकी से आपको नौबत करवाया था, उन्होंने फोन भी किया तो बोल रहे थे 5-7 दिन और लगेंगे, हमें तो काफी दिन हो गए 5-7 दिन, 5 साल देखो कमजोर। वहीं बड़े वाहनों से उठने वाले धूल के गुबार के कारण साइकिल बाइक या पैदल चलने वाले लोगों का हाल बदहाल होता जा रहा है। इतनी बुरी हालात है कि आप सोच नहीं सकते। हम तो चलो कुछ देर के लिए घर से आते हैं, मास्क लगाते हैं, लेकिन दुकानदार भाइयों के क्या हालात है। और परसों 10 दुकानदारों ने चंद्रा मार्केट में मदन जी पारिक ने मेरे को बुलाया था कि एक दिन पहले सफाई की और हमारी हालत ठीक। हमने रिटकोर के बड़े अधिकारी से बात की तो बोलते हैं कि रोजाना पानी छिड़काया जा रहा है और 2 दिनों में सही कर देंगे, जबकि हकीकत ये है कि इस गांव का नाच जो ठीक हो रही है, कुछ भी करो इस गांव में भूली छूट है, वरना और कोई शहर में ये कर देखो। ये सीजन नवरात्रों का सीजन गए है, पैदल यात्री यहाँ से गए है, दीपावली का समय ऊपर है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। विधायक जी से अवगत करा दिया कि आपकी सरकार है, करो, ये राजनीति का विषय है नहीं, सबकी भी काम की बात है, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है। हाँ फोन कर दिया कल से हो जाएगा, वो कल आज तक तो आया नहीं हुआ। तो आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि आप मीडिया के साथियों उठाओ और बचाओ लोगों को, सांस के रोग ही बढ़ रहे, कितनी बुरी हालत है दुकानदार होंगे, आप पूछ लो 100 में से 90 सांस के रोगी है यहाँ। लोगों ने बताया यहाँ से पैदल गुजरना भी मुश्किल हो जाता है, आंखों में जलन होने लगती है मिट्टी के कारण, और स्थानीय लोगों का कहना है कि रिडकोर व स्थानीय प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। त्योहार का सीजन है, दीपावली के कुछ ही दिन शेष रहे हैं, फिर भी कस्बे के बाजार की बदहाली बनी हुई है। ऐसे हालात में बाजार भी अपनी रौनक खोता जा रहा है। तो ये आप देख सकते हो किस तरह से बदहाल स्थिति यहाँ पर कस्बे से गुजरने वाली मेगा हाईवे सड़क की बनी हुई है। हर तरफ है धूल के गुबार ही गुबार दिखाई दे रहे हैं। दोपहर के समय भी शाम जैसा माहौल यहाँ पर बना रहता है, मिट्टी चारों तरफ है उड़ती रहती है, और इस धूल मिट्टी की वजह से पास ही अस्पताल में आने वाले अनेक रोगियों के लिए काफी कष्टदायक स्थिति जो है वो बन जाती है। स्थानीय प्रशासन व रिडकोर का इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा है। सड़क पर डिवाइडर के आसपास चारों तरफ जो है मिट्टी मिट्टी और धूल जमा रहती है, जिसके चलते वाहनों के साथ धूल और मिट्टी के गुबार उठते रहते हैं और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। दीपावली का त्यौहार भी आ चुका है, ऐसे में दुकानदारों का कहना है कि दीपावली की रौनक है वो इस धूल और मिट्टी की वजह से भी काफ़ी प्रभावित हो रही है। लोगों का यहाँ पर आना जाना तो दूर की बात है, यहाँ खड़े भी नहीं रह सकते दुकानदार, ऐसे में कामकाज काफ़ी प्रभावित हो रहा है। लोगों को रोजाना की नई नई समस्याएं श्वसन जैसे रोगों की हो रही है, दुकानदार जो है वो भी एलर्जेटिक पेशेंट होने लग गए हैं, तो यह काफी गंभीर विषय है, इस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द इस बात पर ध्यान देकर लोगों को इस समस्या से निजात दिलाया जाना चाहिए, क्योंकि यह रिडकोर की जिम्मेदारी बनती है कि रिडकोर सड़क की साफ सफाई जो है वो रखे, लेकिन यहाँ पर कई महीने गुजर गए, यहाँ पर मिट्टी हटाने का काम जो है वो शायद प्रशासन द्वारा नहीं किया गया। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बने रहिए मैक्स लाइव पर। धन्यवाद।